सारण के कस्बा लावड़ा में आबकारी विभाग द्वारा छोड़े गए टेंडर के बाद बस स्टैंड के नजदीक सीएचसी के सामने अलावड़ा रामगढ़ रोड के दूसरी तरफ शराब ठेके की दुकान खोली है, जो कि सरकार द्वारा जारी नियमों के विरुद्ध सीएचसी से मात्र 50 या 60 मीटर दूर और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र से लगभग 40 मीटर दूर ही खोली गई है। इस पर गांव के जागरूक नागरिकों ने आपत्ति जताई। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से नए ठेकों की बोली लगाते समय सरकार द्वारा निर्धारित बोली नहीं लगाने के कारण नहीं छोड़ा गया था। अभी हाल में ही उनके कुछ दिनों पूर्व यह टेंडर दोबारा छोड़ा गया। इसके बाद सीएचसी के सामने शराब ठेके की दुकान खोलने से आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों और माताओं को और सीएचसी पर जाने वाले मरीजों व स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरपंच जुमा खान का कहना है कि यदि ठेका खोलना है तो नियमानुसार सार्वजनिक स्थल सीएचसी और आंगनबाड़ी केंद्र से दूर खोला जावे। गौरतलब है कि पूर्व में चल रही पीएचसी को 1 वर्ष से अधिक समय पूर्व सीएचसी में कर्मोन्नत किया गया और भवन के लिए पूर्व में चल रही पीएचसी के सामने 2 बीघा जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया जा चुका है। भवन बनने के बाद शराब ठेके की दूरी 25 मीटर ही रहेगी। इस बारे में गांव के जागरूक नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कहा कि यह ठेका सार्वजनिक स्थल सीएचसी और आंगनबाड़ी केंद्र से दूर खोला जावे, अन्यथा मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस बारे में आबकारी विभाग अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा से बात की गई तो उन्होंने मना की कि यदि सीएचसी के नजदीक ठेके की दुकान खोली है तो गलत है।